किसी समय की बात है, एक शक्तिशाली राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए अनेक कार्य किए और हमेशा सच्चाई का साथ दिया। एक दिन राजा ने एक साधु से सुना कि एक अद्भुत बैताल जो कई रहस्यों को जानता है, एक पुराने पेड़ पर रहता है। बैताल केवल उन्हीं लोगों से बातें करता है जो उसके सवालों का सही जवाब दे सकते हैं। राजा को उसकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान की लालसा थी, इसलिए उसने बैताल को पकड़ने का निश्चय किया। राजा विक्रम ने अपने सशस्त्र सिपाहियों के साथ उस पेड़ की ओर यात्रा शुरू की। रात का अंधेरा छाने लगा, लेकिन विक्रम का साहस अडिग था। जब वह पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक भूतिया छाया पेड़ की शाखाओं पर लटक रही थी। विक्रम ने अपने तलवार को खींचते हुए कहा, हे बैताल, मैं तुम्हें पकड़ने आया हूं। बैताल ने हंसते हुए कहा, राजा विक्रम, तुमने मुझे पकड़ने का निश्चय किया है, लेकिन क्या तुम मेरी पहली पहेली का उत्तर दे पाओगे? यदि तुम सही उत्तर नहीं दे पाते तो तुम्हें मेरी पकड़ से छूटने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। राजा ने निश्चय किया कि वह हर स्थिति का सामना करेगा। बैताल ने पहली पहेली पूछी, वह क्या है जो बोलता नहीं है फिर भी बहुत कुछ कहता है? राजा विक्रम ने थोड़ी देर सोचा और उत्तर दिया, यह एक किताब है। बैताल ने हंसते हुए कहा, सही उत्तर, लेकिन ध्यान रहे, अब तुम्हें मुझे फिर से पकड़ना होगा। बैताल ने अगली पहेली पूछी, वह क्या है जो सभी को खुशी देता है, लेकिन जब किसी को बहुत मिलता है तो वह दुखी हो जाता है? राजा विक्रम ने फिर से सोचा और उत्तर दिया, यह धन है। बैताल ने कहा, सही उत्तर, लेकिन क्या तुम अगले सवाल का सामना कर पाओगे? अब बैताल ने तीसरी पहेली पूछी, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो कभी भी किसी के सामने नहीं आता, लेकिन हर कोई मुझे जानता है, मैं क्या हूं? राजा ने उत्तर दिया, यह नाम है। बैताल ने कहा, बिल्कुल सही, अब मैं तुम्हें पकड़ने के लिए तैयार हूं। बैताल ने राजा को चेतावनी दी, लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम मुझे पकड़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हें एक और पहेली का सामना करना पड़ेगा। इस बार बैताल ने पूछा, जो चीज जितना बड़ा होता है वह उतनी ही छोटी होती है, वह क्या है? राजा ने कुछ देर सोचकर कहा, यह सपना है। बैताल ने कहा, बहुत बढ़िया, अब तुमने मुझे फिर से पकड़ लिया, लेकिन एक रहस्य और है, अगर तुम इसे जानने में सफल हो तो मैं तुम्हारे सामने आऊंगा। बैताल ने कहा, रहस्य यह है कि मैं तुमसे क्यों बातें कर रहा हूं, मेरे पास एक गुप्त ज्ञान है जो मैं तुमसे साझा करना चाहता हूं। राजा ने पूछा, क्या ज्ञान है? बैताल ने उत्तर दिया, यह ज्ञान इस संसार के सभी भूत प्रेत और आत्माओं का है, मैं उनके अनुभवों को जानता हूं और उनके द्वारा मिले सबक को साझा कर सकता हूं। राजा विक्रम ने कहा, मैं जानना चाहता हूं, बताओ मुझे। बैताल ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें पहले एक और पहेली का सामना करना होगा। बैताल ने अंतिम पहेली पूछी, कौन सा ऐसा जीव है जो एक ही समय में सभी रंगों को देख सकता है लेकिन उसे एक साथ नहीं दिखा सकता? राजा ने तुरंत उत्तर दिया, यह एक आंख है। बैताल ने कहा, सही उत्तर, अब मैं तुम्हें अपना ज्ञान साझा करूंगा, लेकिन ध्यान रहे, यह ज्ञान तुम पर एक जिम्मेदारी डालता है। बैताल ने राजा को बताया कि सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों के लाभ के लिए प्रयोग किया जाए, यदि तुम अपने ज्ञान का प्रयोग स्वार्थ के लिए करोगे तो यह तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगा। राजा विक्रम ने इस ज्ञान को अपने दिल में उतारा और बैताल को अपने साथ ले जाने का निर्णय किया। बैताल ने उसे बताया, मेरे साथ रहकर तुम अपने ज्ञान को और बढ़ा सकते हो, लेकिन याद रखो, यह एक कठिन यात्रा होगा। एक दिन बैताल ने कहा, राजा, तुमने जो सीखा है वह दूसरों को सिखाने का समय आ गया है, तुम्हें अपनी प्रजा के सामने यह ज्ञान साझा करना चाहिए। राजा ने यह निश्चय किया और उसने अपने दरबार में एक सभा बुलाई। उसने बैताल के साथ मिलकर अपने ज्ञान को साझा किया और सभी को सिखाया कि कैसे सच्चाई, न्याय और दया का पालन करना चाहिए। राजा विक्रम और बैताल की दोस्ती प्रगाढ़ हो गई। वे न केवल एक दूसरे के साथी बने बल्कि उन्होंने साथ मिलकर अपने राज्य की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। बैताल ने राजा को सिखाया कि सच्चा नेतृत्व वही है जो अपनी प्रजा के प्रति जिम्मेदार हो। राजा विक्रम ने इस ज्ञान को अपनाया और अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बनाने का प्रयास किया।
इस प्रकार राजा विक्रम और बैताल की कहानी एक ऐसा सबक देती है कि ज्ञान का सही उपयोग ही जीवन को सार्थक बनाता है। उनके साहस और संयम की मिसाल सदियों तक याद की जाएगी। इस प्रकार राजा विक्रम और बैताल की कहानी केवल एक साहसिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक गहरी सीख थी जो आज भी प्रासंगिक है। दोनों ने मिलकर जो ज्ञान अर्जित किया, उसने न केवल उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि उनके राज्य को भी एक नई दिशा दी। राजा विक्रम ने समझ लिया कि असली शक्ति और साहस केवल युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि अपने ज्ञान और नैतिकता के माध्यम से लोगों के दिलों में जगह बनाने में है। अगला पाठ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद।